सोल लगा के पहनना पड़ेगा। पहला तो ये, दूसरा है बनाना, ये हमारा जो ये वाला कटा हुआ एरिया होता है ना, ये वाला है ये, इसको रोज प्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारी वेन्स की प्रॉब्लम होने लगती है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तक नहीं पहुँचता, तो ये सूज रहता है, जब आप इस पर प्रेशर देंगे ना तो ये दर्द होने लग जाएगा। तो आप इस पर ऐसे करके प्रेशर ये ऐसे देंगे ना पॉइंट, जब दबाएंगे तो यहाँ हल्का सा दर्द भी महसूस होगा, तो वही पॉइंट है उसको प्रेस करना है। यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा के ना यहाँ की मसाज करनी है, ये पूरे एक गर्म पानी में ना, गरम जैसे बाल्टी में हम पानी ले लेते हैं, पानी लेकर उसमें नमक, सेंधा नमक चाहे आप नॉर्मल नमक ले लें, फिटकरी ले लें वो डालकर, और नींबू का छिलका भी चाहे उसमें डाल लेना, और एक आती है देसी कपूर, वो जो हाथ से टूट जाती है, वो जलाते हैं वो वाली नहीं होती घूसी वाली, वो देसी कपूर का एक टुकड़ा डाल के थोड़ा इतना गर्म पानी कि पैर में थोड़ा तेज सा बस पैर जलेगी वो पैर में डिप करना है, उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट रोज 10-15 दिन एक वो करें, मसाजिंग करें, और एक एक्सरसाइज है पैरों के पंजों के ऊपर आना और पेट के ऊपर आना। ये अंकल हमें मेट्रो स्टेशन में ही मिले थे और इन्होंने बताया कि मेरी पैर की एड़ी में बहुत दर्द है, उसके लिए हमने उन्हें मर्म चिकित्सा बताई, मसाजिंग बताई और हॉट फूड बताया। अंकल ने उस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा और उसे करने का हमसे वादा भी किया। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।